मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस देर वर टू टाइप्स ऑफ टेस्ट दैट यूज टू मेजर और असेस इंटेलिजेंस ऑफ एनी पर्सन उसमें इंडिविजल टेस्टिंग है और ग्रुप टेस्टिंग है तो इसमें मतलब कि इंटेलिजेंस की मेजरमेंट के लिए जो उसकी कॉन्ट्रोवर्सीज और जो उसके ईशूज़ हैं कि आया ये एक सिंगल एंटिटी है या ये जनरल इसका इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है या स्पेसिफिक इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है या ये इन्वायरमेंटल फैक्टर से इम्प्रूव होती है ये नहीं होती या ये हेरिडिटी फैक्टर है ये नहीं इस बात से कोई कंसर्न नहीं है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि ये ज़रूरत महसूस की गई कि कौन सा शख्स कितना ज़हीन है कैसे पता चलेगा और क्या हम उसकी जो एक्सप्रेशन ऑफ वर्क है हम उससे अंदाज़ा लगाएंगे क्योंकि ये डॉक्टर और इंजीनियर इसलिए बड़ा इंटेलिजेंट है अब आप देखें डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को भी अगर आप देखते हैं तो उसमें हर एक डॉक्टर के पास आप जाना पसंद करते हैं नहीं आप कहते हैं वो बड़ा इंटेलिजेंट डॉक्टर है बड़ा अच्छा डॉक्टर है फौरन बीमारी को डायग्नोस कर लेता है उसमें उसकी इंटेलिजेंस भी हो सकती है उसका एक्सपीरियंस भी हो सकता है तो बात यह है कि इस इंटेलिजेंस को किस तरह से असेस किया जाए कि कौन सा शख्स कितना जो है वो ज़हीन है इसके लिए जो साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनस्ट थे उन्होंने सोचा कि हमें कुछ टेस्ट स्टैंडर्डाइज बनाने चाहिए बिल्कुल ऐसे जैसे कि हमने बाकी एंटिटीज़ और बाकी ट्रेड्स को मेजर करने के लिए बनाए जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट बने जैसे जो है वो एन्ज़ाइटी टेस्ट बने जैसे डिप्रेशन टेस्ट बने मेजर करने के लिए कि इसका मकसद ये था कि इंटेलिजेंस के बारे में देखा जाए कि ये किस तरह से मेजर की जा सकती है अब सबसे पहले जो इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए बात सोची गई वो ये कि इंटेलिजेंस किन एलिमेंट से मिलके बनती है हमने कौन से इंटेलिजेंस के एरियाज़ को मेजर करना है उसमें जैसे अभी बहुत सारे पीछे जो थेरिस्ट थे किसी ने कहा कि इंटेलिजेंस जो है वो एनालिटिकल स्किल का नाम है किसी ने कहा इंटेलिजेंस जो है ये स्पेसिफिक एबिलिटीज़ का नाम है ग्रुप ऑफ एबिलिटीज़ का नाम है किसी ने कहा कि इंटेलिजेंस जो है ये आपकी क्रिएटिविटी जो है उसको एक्सप्रेस करने का नाम है तो अब थेरिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल काम था कि आया वो इन सारी ट्रेड्स को या एबिलिटीज़ को जो कि मिल के इंटेलिजेंस को बनाती हैं इसको किस तरह से मेजर किया जाए एक कि क्रिएटिविटी की सेंस जो है अगर कोई कहता है कि अगर वो हो तो कोई इंटेलिजेंट है किसी ने कहा कि जो वेल एडजस्टेड पर्सन है वो इंटेलिजेंट है तो इन सारी एंटिटीज़ को सामने रखते हुए टेस्टिंग का सोचा गया कि हम मुख्तफ़ पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो कोई सिंगल एंटिटी कह रहा है जो कोई मुख्त ट्रेड्स को कह रहा है कि जी हों तो कोई इंटेलिजेंट है तो इन सारी ट्रेड्स को कंबाइन करके अगर हम एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाएं जिसके थ्रू फिर हम ये देखें कि उसमें एनालिटिकल स्किल है उसमें स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है उसमें जनरल इंटेलिजेंस कितनी है उसके बाद उसकी क्रिएटिविटी की सेंस कितनी है उसकी क्रिटिकल थिंकिंग की सेंस कितनी है और इसके अलावा जो इंटेलिजेंस के लिए एप्लीकेशन होती है एप्लीकेशन ऑफ थाट्स है वो उसके अंदर कितना ज़्यादा है और इसी तरह से वो इनोवेटिव कितना है और वो जो इसके साथ उसकी जो कॉम्प्रीहशन की स्किल है एक कॉम्प्रीहेंशन भी होती है ना कॉम्प्रिहड करना किसी भी बंदे ने आपके सामने कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है तो उसको कॉम्प्रीहड करने की स्किल भी हर इंसान की डिफरेंट होती है वो भी आपकी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करती है जो इंटेलिजेंट आदमी है वो फौरन उस चीज़ को पिक कर लेता है आपके पॉइंट को और फ़ौर जो है कॉम्प्रीहेंड करने के बाद रिस्पॉन्ड करता है अकॉर्डिंगली तो जो थोड़ा सा कम एवरेज वाला या एवरेज इंटेलिजेंस वाला या स्लो लर्नर है उसको किसी भी कॉन्सेप्ट को कॉम्प्रीहड करने में भी बड़ा मसला आता है तो देखा गया कि कॉम्प्रीहशन स्किल्स जो हैं इसको भी उस टेस्ट में इंक्लूड करने की ज़रूरत है एनालिटिकल स्किल्स को भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है इसके अलावा जो है जैसे भी गार्डनर ने कुछ एंटिटीज़ बताई और एरियाज़ बताए उसने कहा कि आपकी जो म्यूज़िकल आपकी जो बॉडी कैनस्थैटिक्स स्किल्स हैं और आपकी जो लिटरेरी स्किल्स हैं एनालिटिकल स्किल्स हैं आपकी जो इनोवेटिव स्किल्स हैं ये सारी की सारी जो स्किल्स हैं ये मिल एक इंटेलिजेंट आदमी जो है उसको एक्सप्रेस करती हैं तो देखा गया कि ये सारे टेस्ट जो हैं क्या इन तमाम एरियाज़ को जो जितने डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स थे उन्होंने जो इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन किया है तो एक ऐसा टेस्ट बनाया जाए जो इन सारे एरियाज़ को कवर करे और उसके बाद जो है वो इन एरियाज़ के मुताबिक जो है आ, किसी भी इंसान की आ, जो इंटेलिजेंस है चाहे वो यूरोप का रहने वाला हो या वो पाकिस्तान का रहने वाला हो किसी भी कंट्री में रहने वाला हो एक ऐसा स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाया जाए जो कि हम किसी भी जगह पे जो जगह के हिसाब से उसमें तब्दीली ना आए जो कल्चर फेयर हो और जो कि जहाँ पे भी हम यूज़ करें वहाँ के लोगों की इंटेलिजेंस को मेजर करें जिसमें हमने देखा था कि टेस्ट के लिए क्या चीज़ जरूरी है टेस्ट के लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं एक वैलिडिटी और एक रिलायबिलिटी वैलिडिटी का मतलब यह है कि टेस्ट जो है जिस मकसद के लिए बनाया जाए और जिस एंटिटी को मेजर करने के लिए बनाया जाए वो उसी को ही मेजर करे अगर इंटेलिजेंस का टेस्ट बनाया गया है तो वो इंटेलिजेंस ही को मेजर करे वो किसी और ट्रेड को एन्जाइटी डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन को मेजर ना करे तो फिर कहा गया कि टेस्ट को वैलिड होना चाहिए अच्छा उसके बाद दूसरा जो इशू टेस्ट का है वो ये कि रिलाईबल भी होना चाहिए जब भी हम यूज़ करें इंटेलिजेंस का टेस्ट आज से दस साल बाद भी यूज़ करें तो वो इंटेलिजेंस को ही मेजर कर रहा हो उसके रिजल्ट्स उसी तरह ही आए जैसे कि पहले थे तो ये दो बातें जो हैं ये भी सोची गई और दो किस्म की टेस्टों के बारे में सोचा गया है एक इंडिविजुअल टेस्टिंग और एक ग्रुप टेस्ट ज़्यादा लोगों को अगर हमने मेजर करना है एक वक्त में तो उसके लिए ग्रुप टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बताया गया और उसके बाद अगर एक शख्स को मेजर करनी है उसकी इंटेलिजेंस तो उसके लिए इंडिविजुअल टेस्टिंग का तरीका जो है वो सोचा गया